अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं दही वड़े, जो कि भारत में कई सारे फेस्टिवल्स में बहुत फेमस है, जैसे होली हुआ, दशहरा हुआ। इसके लिए हम लोग सामग्री देखेंगे, उड़द का दाल जो रात में भिगाया गया है, पानी में अच्छे से धो के उसको हमने मिक्सी में पेस्ट करके रखा है। अब हम उसको अच्छा से मिक्स करेंगे। इसको इतना अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताकि इस छोटा सा पार्ट अगर हम लेके पानी में रखें तो वो ऊपर तैरने लगेगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपका उसको मिक्स करना अच्छा से हो गया है। फिर हम बड़े को फूलने के लिए 1 लीटर पानी और या 1 से 1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक देके उसको बॉयल करने देंगे। बड़ा तल लेने के बाद तले हुए बड़े को इसी पानी में हम देंगे ताकि बड़े के अंदर नमक जाए। ये देखिए कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। इसके लिए हम लोग रिफाइंड ऑयल लेंगे, कोई भी अच्छे ब्रांड का रिफाइंड ऑयल। फिर बड़े को छोटे छोटे साइज में गोल बनाकर कढ़ाई में दे रहे हैं। इतना ही बड़ा हम देंगे नंबर में ताकि वो तेल में अच्छी तरह से डूबा हुआ रहे। गैस का फ्लेम मीडियम में रहेगा, ये ज़्यादा तेज होने से आपके अंदर बड़े में तेल नहीं जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। देखिए जितना तेल था उसी अनुसार हम बड़े को दे रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे ताकि एक तरफ पक जाए। एक साइड का बड़ा काफी हद तक अब दिख रहा है कि ये सुनहरे रंग का हो गया। अब हम लोग धीरे से छोलनी की सहायता से इसको तल पलट दे रहे हैं इसकी साइड, ताकि इसका दूसरा सिरा भी अच्छा से फ्राई हो जाए। देखिए ये एक दूसरे के साथ चिपक गया है, इसको धीरे से प्रेस करके हम अलग कर लेंगे। ये जो बड़े का साइज है इसको जब हम पानी में डालेंगे, गर्म पानी में, नमक पानी में, तो इसका साइज थोड़ा सा फूल के बड़ा हो जाएगा। तो उसी अनुसार आप बड़े के साइज लीजिए। ये एक एक करके सारा बड़ा पलट गया है। अब हम उसके इस साइड को भी सुनहरे होने तक तलेंगे। ये बड़ा दोनों साइड अच्छा से लाल, सुनहरे लाल रंग का हो गया। अब हम एक एक करके तेल से धीरे धीरे इस बड़े को निकाल देंगे। ये देखिए सारा बड़ा हम निकाल दिए। अब इसी बड़े को गरम पानी, खौला हुआ जो नमक पानी था उसमें हम भिंगो के करीब 10 से 15 मिनट तक इसमें रख देंगे, इससे बड़ा फूल जाएगा। अब हम दही को बना रहे हैं। ले लिए दही, उसमें थोड़ा सा, अगर हम 100 ग्राम दही ले रहे हैं तो उसमें हम 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे, 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे, फिर उसको अच्छा से एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। थोड़ा सा पानी देंगे इसमें।
अब इसको अच्छा से स्पून की सहायता से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ बड़ा फूल गया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करने के लिए ले रहे हैं। दही को प्लेट में बड़े को रख के उसके ऊपर से दही दे देंगे। पहले से हमने मसाले में रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च और जीरे को ऐसे ही सूखे कढ़ाई में गरम करके फिर हमने उसको उसका पाउडर बना के ही रखा है। उस पाउडर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये है वो रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च पाउडर। इसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क देंगे। अब हम इसमें देंगे काला नमक। ये काला नमक ले रहे हैं। अंदाज से हम जिसे जैसा नमक पसंद होगा उस हिसाब से स्वाद अनुसार हम नमक मिला देंगे। ये दही बड़े तैयार है। अब हम इसमें एक इमली की चटनी, जो इमली को नमक और चीनी के साथ गाढ़ा करके बनाया गया है, इस इमली की चटनी को हम दही बड़े में मिक्स कर देंगे। इस चटनी को ज़रूर दीजिए, ये दही बड़े में आपका स्वाद को और निखार देता है। इस चटनी को हम मिक्स कर रहे हैं। इसके ऊपर आप बारीक चाहे तो धनिया का पत्ता, हरा धनिया भी काट के दे सकते हैं। अब इसको सर्व करें। आपका दही बड़ा तैयार है। सर्व कीजिए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। धन्यवाद।